अभी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं अभी गांधी मैदान में। जैसा कि जानते हैं गांधी मैदान राजनीतिक रूप से काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। नेता और अभिनेता यहां पर शो करते रहे हैं, पार्टी फंक्शन का काम होता रहा है। पर यहां पर 26 जनवरी को 71वां गणतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा और यही वो जगह है जहाँ पर से तिरंगा झंडा को फहराया जाता है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जिस प्रकार से उस दिन राज्यपाल महोदय यहाँ से झंडा तोलन करेंगे और 15 अगस्त को जैसा जानते हैं कि मुख्यमंत्री साहब करते हैं और ये 71वां गणतंत्रता दिवस है, इसको लेकर पुरजोर तैयारियां चल रही है। देख रहे होंगे अभी एनसीसी के तमाम बटालियन अपने अपने ढंग से यहां पर परेड करते हुए और सुरक्षा व्यवस्था को कैसे पुख्ता किया जाए वो यहां पर बताया जाता है। और एनसीसी के जितने भी कैडर हैं वो यहां पर तमाम टोली काम करती हुई वहां पर देख सकते हैं। नेवी के भी लोग तैयारी कर रहे हैं और तमाम वहां पर अभी कुछ अधिकारियों से भी बातें हुई है। उन लोगों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी चाक चौबंद भी किया जा रहा है। इसमें कई प्रकार की टोली और टोली के अंदर जो उसके हेड होते हैं उन लोगों से भी कुछ जानकारियाँ मिली है कि सुरक्षा को देखते हुए कई प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से पार पाने के लिए NDRF की भी टीम दिखाई दी थी। उन लोगों को भी तैयारी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है और ये जो बांस के बने हुए दिख रहे होंगे खंभे, उधर पूरे तमाम जनता जो दर्शक होते हैं उस दिन देखने के लिए, उन लोगों के लिए भी बैठने और खड़ा होने की भी व्यवस्थाएं की जाती है और ये पूरा अभी घेर दिया गया है। गांधी मैदान लगभग 15 दिनों से सभी गेट पर आम जनता को आने के लिए रोक लगा दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए घूमते हुए देखेंगे कि क्यों सुरक्षा को देखते हुए उन लोगों को अंदर आने के लिए मना कर दिया जाता है और जो इसके अंदर अभी इसके जो काम चल रहे हैं जैसे बांस का या टेंट का जो भी काम चल रहा है उसको लेकर लोग सतर्क हैं कि कहीं कोई परेशानी या दुविधा में ना आ जाए। इसलिए तमाम गेट नंबर पे सभी जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस खड़े कर दिए गए हैं, उसके स्टाफ खड़े कर दिए गए हैं, अधिकारी तैनात हैं और यहाँ पर कोई व्यवधान न पहुँचे इसको लेकर भी तमाम टोली और टुकड़ियों के जो पुलिस कमांडर हैं या पुलिस हैं, बिहार पुलिस हों या कोई भी सेंट्रल पुलिस हों, उन लोगों को और तमाम अधिकारी उन लोगों को सिखाते हुए भी ये नज़र आते हैं। उन लोगों की नज़र में सबसे बड़ी जो बात होती है वो चाक चौबंद की होती है। उन लोगों की नज़र केवल सामने नहीं होना चाहिए, ऐसी कई बातें समझाते हुए यहाँ पर मिले थे। और इन लोगों का परेड जो होता है वो काफ़ी जब देखेंगे तो काफ़ी दर्शनीय होता है और मनमोहक भी होता है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टि से इतनी तैयारियां की गई है। जैसे कि अभी जानते हैं कि मानव श्रृंखला अभी यहीं पर हुई थी 2 दिनों पहले ही, परसों ही हम लोग देख रहे थे वहीं से मुख्यमंत्री जी ने बैलून उड़ा करके जिस प्रकार से मानव श्रृंखला को पूरा किया था और उस वक्त एक रिकॉर्ड बना था। और अभी बात करने का प्रयास करेंगे, बात करें अभी यहाँ पर पूछते हैं, बात कर रहे हैं NCC के कुछ टुकड़ियों और टोलियों से। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम है सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, क्या यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है? नेवी की तैयारी चल रही है, ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है, बहुत अच्छा तैयारी चल रही है। ये कौन सी टोली हुई? नेवी। नेवी वो आर्मी, आर्मी ये आर्मी गर्ल्स, आर्मी गर्ल्स। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा अमन कुमार नाम हुआ। अमन जी, तो इस तैयारी में क्या क्या आप करने वाले हैं? रिपब्लिक डे का ही समारोह है जी। जी, चीफ गेस्ट गवर्नर आ रहे हैं, उन्हीं को सैल्यूट के लिए, उन्हीं के लिए हम यहाँ पे आ जाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा चौक चौबंद किया जाता है जी? इसे देखते हुए बहुत ज्यादा यहाँ पे सुरक्षा रहती है और कहने से भी ज्यादा उससे रहती है, कहने से भी ज्यादा रहती है। क्या आप लोग कैंप में जाते रहते हैं? यस। कहाँ कहाँ गए? राजेंद्र नगर कैंप। राजेंद्र नगर कैंप, इसमें ग्रेड भी होता है ABC, तो आप लोग कौन ग्रेड किए हैं? ए ग्रेड से पास कर चुके हैं। ए ग्रेड से जी। आप? एक पास है, बी में एडमिशन है। बी में एडमिशन है आपका? हम बी ग्रेड कर रहे हैं। बी ग्रेड कर रहे हैं जी, हम भी। तो सी को तो ज्यादा जिम्मेदारियाँ रहती होगी यहाँ पर? जी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। अच्छा अच्छा, NCC एक प्रकार से देश के जैसे और सेना होती है, उसी प्रकार से यह भी एक देश की भूमिका में निभाती है। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, अभी आर्मी वाले से अभी बात करते हैं। अनुज जी आएंगे, कैमरामैन साहब। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम कुमार शिवम हुआ सर। कुमार शिवम जी, तो क्या जिम्मेदारी है आपकी यहाँ पर? मेरी जिम्मेदारी है कि जब मार्च करेंगे तो मुझे दैनिक सैल्यूट का क्वेश्चन देके CM साहब को सैल्यूट करना है। गवर्नर आएंगे ना? गवर्नर आएंगे और CM सर दोनों रहेंगे। अच्छा, तो गवर्नर का निरीक्षण होगा। अच्छा, तो मुझे कंटिजेंट को सावधान विश्राम कराना है। अच्छा अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा कि मैं गवर्नर का ये परेड कमांडर सामने में NCC ऑल ओवर NCC कैडेट का परेड कमांडर हूँ। यानी आपका बी हो चुका है या सी? मेरा बी कंप्लीट हो गया, मेरा सी होने वाला लास्ट ईयर है। सी होने वाला। और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? SEO रोहित कुमार सिंह। अच्छा,
और अभी ये आर्मी आर्मी का हुआ ना, आर्मी बॉयज क्या बोलना है भाई? देखिए नमस्ते नमस्ते, आ जाइए ना भाई। क्या नाम? मेरा नाम विद्यासागर कुमार हुआ। अच्छा अच्छा, क्या तो क्या यहाँ की क्या तैयारियाँ इस बार पूरी चाक चौबंद रहने वाली है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है। ठीक है, हम और भी लोगों से बात, अभी किधर इन लोगों से बात। बहुत अच्छा, नाज है भाई। ये लोग हिंदुस्तान भर जाते हैं, हम लोग तो बिहारी में रहते हैं।